देख लीजिए, उस्मान कार्ड के, आधार कार्ड के, सब कुछ प्रूफ लेके आए थे कि हमारे बच्चे के सर्टिफिकेट फेल हो जाए। हम साल भर से परेशान हैं सर। ये देख लीजिए, करवा के लाए हैं सब कुछ, हमारा रिपोर्ट नहीं लिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप लोगों को बता दूं कि मैं जिला चिकित्सालय सीधी में खड़ा हूं, जहां आप लोगों को बता दूं कि सीधी जिले में अब डॉक्टर जो है तो गुंडे बन चुके हैं, हैवान बन चुके हैं। एक तरफ तो डॉक्टर को भगवान समझा जाता है, लेकिन दूसरे तरफ बच्चों के डॉक्टर जो कि खुद ही बच्चों को भगवान समझा जाता है, और दूसरी तरफ देखा ये जा रहा कि उन्हीं बच्चों को यानी भगवान के साथ ही यहाँ गुंडीगर्दी चल रही। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक ऐसा मामला आया है, जो हमारे साथ एक महिला है जो कि बच्ची को दिखाने के लिए लगातार लगभग दो चार बार आई, लेकिन दोनों मतलब जितनी बार आई कह सकते हैं उतनी बार इनको गाली पड़ी। लेकिन मजबूर हैं इस चीज़ से कि ये गरीब परिवार से हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, जिसके लिए ये प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पा रही और बार बार उनके पास आना पड़ रहा है, जो कि खुद ही गाली बार बार दे रहा है। आइए मिलते हैं उनसे। क्या नाम है आपका? अंतु साकेत। कहाँ से हैं आप? हम सोनतीर पटेरा की हैं। अच्छा, यहाँ किस पर्पज से आई थी आप? क्या तबीयत इनकी खराब है? इनको साल भर से, जब से पैदा हुई थी तो डेढ़ महीना सीसा में रीवा में पैक थी, 15 दिन यहाँ सीधे जिला में थी, फिर इसके बाद डेढ़ महीना रीवा में थी। रीवा से इसका जो है तो झटका आ रहा था, इसकी सांस नहीं, देखने के लिए तरस रहे थे कि थोड़ी इनको देख ले हम, फिर यहाँ आए कि सिटी एक्सरे करवा लें हम, कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह को लिखवा दें कि सिटी एक्सरे आप करवा दीजिए। जितने बार आते हैं उतने बार डॉक्टर देवेंद्र सिंह मुझे गाली दे रहे थे, बोलते हैं कि जाता है कि तुम असर हो, जाता है कि ICU भाग जाओ, नहीं तो पकड़ के झोटा ही पटक पटक के ही मारेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे थे वो? बोल रहे थे कि हम, तुम हमारे वहाँ आओ क्या, हम इतनी बड़ी मशीन खरीदे हैं अपने वहाँ क्लिनिक में सम्राट चौराहे में, तो क्या देखने के लिए खरीदे हैं? 1100 तो रुपये लगेगी, तुमको पैसा देने में तुम्हारी छाती मार हो रही है। हम बोले सर, हाथ जोड़े हम कि सर हमारे पास पैसा होता तो क्यों हम आपके हॉस्पिटल में नहीं आते, आप 1100 लेते थे, हमारे पास एक गोली खाने के लिए पैसा नहीं है, हम आपके क्लिनिक में 1100 रुपये देने आए, इतनी बड़ी हमारे बच्ची को मर जाए आ रहा था साल भर से, तो आप तब क्यों आप डॉक्टर बने हैं? डॉक्टर आप काहे के लिए आप बने हैं? आप जब हमारे बच्ची को आप दवा नहीं कर सकते हैं तो क्यों आप मेरे डॉक्टर बोलते हैं भाग जाओ, नहीं तो अभी पकड़ के झोटा ही घसीला घसीला के मारेंगे। तो जब इस तरीके की वो वारदात या बोल रहे थे, तो उस टाइम पर आप मतलब ये बताइए वहाँ पर और कोई मौजूद था कि बस आप ही बस थी? इतने बहुत सारे मरीज थे, इतने समय खड़े डॉक्टर साहब निकले, उनके पास गए तो रोने लगे, बताए उनको, बोले कि आप बैठ जाइए, मैं थोड़ी इमरजेंसी में जा रहे हैं। फिर आए खरे डॉक्टर साहब, एक ही वेदन लिखवा के खरे डॉक्टर साहब को दिए थे, एक ही कलेक्टर साहब को दिए थे, एक पत्रकारों के दिए थे, बोले कि जाइए आप, हो गया। हम गए हरजन थाना में, हमारा हरजन थाना में रिपोर्ट नहीं लिखे थे, बोल रहे थे कि चले जाइए हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन में चले जाइए। हम महिला हेल्पलाइन में गए, हमारा रिपोर्ट नहीं लिखे, वहाँ से बोलते हैं कि कोतवाली चले जाइए, कोतवाली हम नहीं गए थे। इतने में हमारे पास पत्रकार फ़ोन लगाए, हम चले आए। अच्छा, आप ये बताइए कि आप कितने बजे उनके पास पहुँची? 10:30 बजे हम देवेंद्र सिंह के पास पहुँचे, इसके बाद 1 घंटा गाड़ी ग्लोज हुआ था, हम खड़े हो गए। फिर हम इसके बाद यहाँ भी आए थे, चौकी पे भी आए थे, चौकी वाले बोले कि चले जाइए आप यहाँ खड़े डॉक्टर के पास चले जाइए, हम उनके पास गए थे, फिर उनके पास से हमें वहीं बैठे थे, फिर इसके बाद हम चले गए थे वहाँ, क्या बोलते हैं, हरजन थाना चले गए थे, हरजन थाना के बाद फिर आई हूँ यहाँ फिर से हॉस्पिटल में। जी, अब क्या हुआ, मतलब रिपोर्ट वगैरह कहीं दर्ज नहीं हुई आपकी? नहीं, इसके बाद फिर एक जन को और दिखाए थे, बोले थे कि आप सिटी एक्सरे मत करवाइए, सिटी एक्सरे कराएंगे तो बच्ची की हालत ख़राब हो जाएगी, मत कराइए, 5 साल की हो जाएगी तब कराना। अच्छा, तो ये पहली बार तो दिखाने आप नहीं आई थी, तो इसके पहले भी जब आप यहाँ पर आई हुई थी तो क्या उन्हीं के पास गई थी? उन्हीं के पास बार बार गए थे, क्योंकि बच्चे वाले डॉक्टर वही हैं, देवेंद्र सिंह हैं। इसके पहले भी ये वारदात हुई थी आपके साथ, गाली गलौच या फिर कमरे पे बुला रहे थे दिखवाने के लिए बच्ची को या कुछ और?
पहले भी बुला रहे थे, एक बार भी लिखे थे एक्सरे के लिए, हम नहीं गए थे। बोले कि तुम बार बार हमारे पास आती हो, तुम काहे के लिए आती हो बार बार मेरे पास, तुमको मना नहीं किया है कि मेरे पास मत आइए। वारदात आप देख पा रहे होंगे कि जो इनके साथ हुआ ये काफ़ी गलत हुआ, क्योंकि आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भगवान को जो है अगर कुछ मानते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्टर हैं सभी को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन जब इस तरीके की वारदात सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं ये हैवान और गुंडे दिखने लगते हैं और एक की वजह से सभी डॉक्टर जो है तो बदनाम भी होते हैं। लेकिन खुद की इनकी दुकान जो है जब डालते हैं, ये अपनी दुकान डाल लेते हैं तो यही सोचते हैं कि जैसे ही हम यहाँ से छूटें तो हम अपनी दुकान पर कमाई शुरू कर दें, और कमाने के चक्कर में, खुद की दुकान चलाने के चक्कर में इस तरीके के महिलाओं के साथ और बच्चों के साथ दुष्प्रभाव जो है और दुर्व्यवहार जो है ये करते रहते हैं, जो कि ये बता रही हैं कि पहली बार नहीं, इसके पहले भी ये हुआ, लेकिन ये मजबूर इस बात से थी कि इनके पास पैसे नहीं थे कि ये प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकें, जिसकी वजह से जो है तो ये पूरा मामला सामने आ रहा और इनकी मजबूरी का फ़ायदा सामने वाला डॉक्टर उठा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या इनकी FIR दर्ज होती है या नहीं, या फिर डॉक्टर कि जो दुकान है ऐसे ही चलती रहती है या वाकई में उसको बंद की जाती है, और क्या प्रभाव पड़ता है इनकी इस खबर से और इनके इस शिकायत से, ये तो देखने लायक होगा। जल्द मिलेंगे आपसे एक नई खबर के साथ, तब तक इंतजार करें उस खबर का जो अपडेट होगी। धन्यवाद, अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज़। मैं रवि कुमार पांडे, कैमरामैन राकेश वर्मा के साथ, नमस्कार, जय हिंद।